भावेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चलेगा, हाथी चलेगा, साइकिल चलेगी, कमल का फूल खिलेगा, क्या कुछ होगा उत्तर प्रदेश में, ये सब कुछ साफ हो गया है। 10 मार्च की शाम तक वो सुहानी शाम आई जब ये क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर मैंडेट के साथ कि उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर आ रहा है, जोर से आ रहा है, तेजी के साथ आ रहा है, बिना ब्रेकर के आ रहा है, तेजी के साथ दौड़ता चला रहा है। और ऐसा ही हुआ, बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में शिरकत कर चुका है। एक बार फिर जो बाबा ने कहा था कि मेंटेनेंस कराने गया है, योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में आ चुका है। और जल्द ही किसी भी वक्त, आपको बता दें कि होली से पहले योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। अब आते हैं आज के एजेंडे पे, आज के भारत एट नाइन का टॉपिक क्या है, क्योंकि आपको पता है कि भारत एट नाइन में दरअसल उन चीजों पर हम डिस्कशन करते हैं, उन चीजों पर बातचीत, उन चीजों पर चर्चा करते हैं, उन मुद्दों पर बात करते हैं जो दरअसल सीधे आपसे जुड़ी, आपसे ताल्लुक रखती है। आप जब रात में सोते हैं तब इस चीज को लेकर सोते हैं कि काश वो वाली बात भी किसी ने बताई होती, और वो वाली बात जो है वो भारत एट नाइन में आप पाते हैं। भारत एट नाइन वो कार्यक्रम है जिसमें रात में सोते वक्त जो एक कसक सी बाकी रह जाती है, उस बात को, उस कसक को हम मिटाने का काम करते हैं, आपको बताने का काम करते हैं कि आखिर उस पॉइंट पर क्या कुछ है, उस पॉइंट पर क्या कुछ छिपा है, क्योंकि ऊपरी ऊपरी जो बातें हैं तमाम मीडिया चैनल्स आपको बताते हैं। इसलिए आज मैं ये बताऊंगा नहीं, आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ क्यों जीते, बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्यों जीती, क्योंकि एक चीज याद रखिए कि जीतने से पहले लोग आपको दो तरह की बातें सुना रहे होंगे, दो तरह की, कि ये जीत सकता है लेकिन अगर ये जीत गया तो समझ लीजिए अंडर करेंट है, ये जीत सकता है लेकिन अगर ये जीत गया तो समझ लीजिएगा कि वोटर साइलेंट है, साइलेंट वोटर एंड द अदर वन इज अंडर करेंट और साइलेंट वोटर के पीछे जो दीवार के पीछे जो लोग हैं वो छिपे हुए हैं। और पत्रकारों की बात करूं तो दो तरीके के पत्रकार आपने पूरे उत्तर प्रदेश के चुनावों में दिखे होंगे। एक पत्रकार वो थे जो सड़क सड़क, गली गली घूम घूम कर पूरे उत्तर प्रदेश के ट्रिप कर रहे थे और पूरा टूरिज्म का फायदा ले रहे थे, ये टूरिस्ट पत्रकार है। आई वुड से टुनाइट कि ये लोग टूरिस्ट पत्रकार हैं। टूरिस्ट पत्रकारों ने जनता के बीच पहुंचकर ये कहा कि क्यों दोगे बाबा को वोट, क्यों दोगे, उन्होंने कहा देंगे तो उन्होंने कहा क्यों दोगे, बहुत तोड़ने की कोशिश की लेकिन बाबा को वोट पड़ गया, बंपर वोट पड़ गया। और योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में, बनने क्या जा रही है, बन गई है, लेकिन सहरा सजने जा रहा है योगी आदित्यनाथ के सर पर। बहुत जल्द किसी भी समय योगी पार्ट टू देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो छोटे दल के नेता थे, इधर से उधर जो घूमते फिरते नजर आ रहे थे, अब वो कहां दिखेंगे ये भी देखना बहुत अहम होगा। लेकिन आज भारत एट नाइन में दरअसल जो चर्चा है वो इस पर है, योगी आदित्यनाथ साहब ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, बहुत सारे इतिहास बनाए, और सारे तमाम चैनलों ने बकायदा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया कि कौन सा इतिहास बन गया, कौन सा रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन वो लोरी आज मैं आपको नहीं सुनूंगा, आज मैं आपको कुछ और बताना, आज मैं बताने आया कि इस पूरे चुनाव के दौरान वो दो चेहरे जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। पहला चेहरा, टू बी क्लियर एंड वेरी फास्ट, पहला चेहरा वो है अरविंद केजरीवाल साहब। अरविंद केजरीवाल साहब ने रिकॉर्ड बना दिया। अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी 2012 में पैदा हुई, 2012 में, और 2022 है, 2012 से 2022 10 साल के भीतर अरविंद केजरीवाल की पार्टी दो सूबों में, इन टू स्टेट्स, दो राज्यों में, दो प्रदेशों में सरकार बनाकर, एक तो है राजधानी दिल्ली और दूसरी है बॉर्डर से लगी हुई पंजाब, तो पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब है। इसके पीछे लोग चुटकी ले रहे हैं, अब लोग चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल ज्यादा ये जो पिराली जलाने के बाद जो धुआं उठता है इसको लेकर ज्यादा किसी पर तंज तीर या फिर हमला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पंजाब में भी तो उन्हीं की सरकार है अब। लेकिन एक और चीज ध्यान रखिएगा कि अपर हाउस यानी राज्यसभा में अब 10 मेंबर्स हो जाएंगे आम आदमी पार्टी के, ये चौथी पार्टी होगी, पहली बीजेपी, दूसरी कांग्रेस, तीसरी टीएमसी, और चौथी हो गई आम आदमी पार्टी। इसका वर्चस्व होगा। कांग्रेस तो आपको बता दूं कि अपोजिशन का जो तमगा, जो बैलेट है, उसको भी खोने वाली है बहुत जल्द। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने इतिहास रचा। उन्होंने तो बकायदा लिख कर दिया था कि चन्नी साहब तो दोनों सीटों से हार जाएंगे, और लिखा एक एक वो क्या लिखा, जो लिखा आज दरअसल भविष्यवाणी उनकी सच साबित हो गई। तो अरविंद केजरीवाल साहब इतिहास रचा है, उस पर भी बात होनी चाहिए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सियासत में कोई लहर आए, कोई सुनामी आए, कोई कुछ भी आए, ए टू जेड कुछ भी आए,
लेकिन एक शख्स है जो टिका है, डटा है। शख्स का नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। उत्तर प्रदेश में राजा भैया की सियासत का तरीका आप कुछ भी कर लीजिए, इग्नोर करिए, अवॉइड करिए, बट यू कांट, आप कर नहीं सकते, आपको चर्चा करनी पड़ेगी। और उसी चर्चा को लेकर आज मैं आया हूं, क्योंकि लोग रात पे जब कल घर पहुंचे तो बोले कि भाई योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तो खूब चला बुलडोजर का नैरेटिव, लेकिन ये कुंडा में नहीं चला, बाबागंज में नहीं चला, और ये कौन सी पार्टी है राजा भैया की जिसको लेकर चर्चा है? तो राजा भैया ने एक पार्टी है। राजा भैया इस बार निर्दलीय नहीं लड़े थे, पार्टी के साथ लड़े थे। पार्टी का नाम है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। 2019 के चुनाव से पहले बनाई थी इस पार्टी को, और आज 2022 के चुनावों में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बैनर तले राजा भैया लड़े थे। आरी चुनाव चिन्ह था, राजा भैया ने जीत हासिल की। हालांकि जो मार्जिन है वो कम था, 40,000 प्लस था, 1.5 लाख का नाम दिया था लेकिन 40,000 प्लस था। वहीं दूसरी तरफ बाबागंज से उनके एक और प्रत्याशी थे, वो भी चुनाव जीत गया, लेकिन राजा भैया ने चुनाव से पहले जो उनके बयान थे वो सुपर हिट रहे, ब्लॉकबस्टर रहे। सुपर हिट बयान जो उनका था वो सब कुछ सुनाएंगे आपको, एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि राजा भैया 2017 में जब मोदी के नाम की आंधी चल रही थी, जब लहर चल रही थी, सुनामी आई थी, तब भी राजा भैया यहां से जीते थे और 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, मार्जिन से। और इस बार तो खुद अखिलेश यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, दम लगा दिया, ताकत लगा दी, कहा कि कुंडा में कुंडी लगा दो, लेकिन राजा भैया ने कहा कि कोई नहीं है जो कुंडा में कुंडी लगा दे, अभी कोई नहीं। और ऐसा ही कुछ हुआ, कुंडा में ना तो कुंडी लगी ना कुछ हो सका। और एक और उनका स्टेंस जो आज मैं उठा रहा हूं वो ये था कि ना तो सरकार बन रही है ना हम बनने देंगे। ये उन्होंने उस वक्त कहा था जब लोगों के मन में ये नैरेटिव पहुंच गया था कि शायद परिवर्तन है, शायद परिवर्तन हो रहा है, लेकिन राजा भैया ने उस वक्त ये बात कही कि सरकार नहीं बन रही है, चिंता मत करिए, सरकार नहीं बन रही है। तो अखिलेश यादव की सरकार तो नहीं बनी, लेकिन राजा भैया को लेकर आज चर्चा है कि राजा भैया ने कहा था कि कुंडा में कुंडी लगाने वाला कोई नहीं है, और बहुत धैर्य के साथ बहुत आखिरी वक्त में कही थी ये बात। तो राजा भैया की चुनाव, जिस तरीके से उनका चुनाव पैटर्न रहा और जिस तरीके से चुनाव खत्म होने के बाद वो जीत कर आए, दो बयान है उनके, दो बयान पूरी रिपोर्ट में आपको सुनाएंगे, और क्या कुछ रहा, कैसी स्थिति रही, क्या कुछ चुनाव का रहा, और उसमें कैसे राजा भैया की जो इंपॉर्टेंस है अब किस लेवल पे पहुंच गई, और अब कोई पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती, बीट बीजेपी, बीट समाजवादी पार्टी, अब कोई पार्टी राजा भैया की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकती, कैसे, इस रिपोर्ट को दिखाइए जरा, एडिटर साहब इस रिपोर्ट को चलाइएगा। उत्तर प्रदेश में अगले 5 साल का सियासी भविष्य अब तय हो चुका है। 10 मार्च को मतपेटियों के खुलते ही कई प्रत्याशियों की किस्मत का ताला खुल गया, तो कई लोगों की किस्मत बंद ही रह गई। बीजेपी ने 5 में से 4 राज्यों में जीत दर्ज कर कई तरह के रिकॉर्ड बना दिए। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में ब्रांड मोदी के बाद अब ब्रांड योगी का भी असर देखने को मिला। ब्रांड योगी का असर ये रहा कि उत्तर प्रदेश में कई मिथक टूट गए तो इतिहास के कई सिलसिले पीछे छूट गए। 1989 से लेकर आज तक यूपी के मुख्यमंत्री, 1989 जनता दल मुलायम सिंह यादव, 1991 से 1992 बीजेपी से ही कल्याण सिंह, 1992 प्रेसिडेंट रूल, 1993 से 1995 समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव, 1995 बसपा मायावती, 1995 से 1996 प्रेसिडेंट रूल, 1997 बसपा मायावती, 1997 से 1999 बीजेपी कल्याण सिंह, 1999 से 2000 बीजेपी रामप्रकाश गुप्ता, 2000 से 2002 तक बीजेपी राजनाथ सिंह, 2002 प्रेसिडेंट रूल, 2002 से 2003 बसपा मायावती, 2003 से 2007 समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव, 2007 से 2012 बसपा मायावती, 2012 से 2017 समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, 2017
2017 से 2022 बीजेपी योगी आदित्यनाथ, और अब 2022 से बीजेपी की जीत संभावित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के नाम गिनाते इन आंकड़ों में एक चीज बदल गई है, और वो है एक ही नाम लगातार दो बार दिखाई दे जाना। मसलन 2017 से 2022 तक मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और ये वो इतिहास है जो लिखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2022 में सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने ही इतिहास बनाया हो, कई ऐसे चेहरे हैं जो इतिहास लिख रहे हैं, बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2007 में मायावती को बहुमत मिला, 2012 में सपा को मिला। दोनों ही वक्त पर इन पार्टियों को जनता ने भरपूर वोट देकर सत्ता में बिठाया। इसके बाद 2017 में मोदी की लहर नहीं सुनामी दिखाई थी और सब कुछ भगवामय हो गया। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही एक विधानसभा ऐसी थी जहां ये लहर घुस भी ना सकी, और वो जगह थी प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा। कुंडा विधानसभा एक मशहूर और महत्वपूर्ण विधानसभा है। यहां से 1993 से लगातार एक ही शख्स विधायक है, और कहा जाता है कि यूपी में चुनाव से पूर्व सिर्फ एक ही सीट है जिसमें उस शख्स की जीत लगभग तय नहीं बल्कि तय ही मानी जाती है। कुंडा विधायक का नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। राज कपूर की फिल्मों के शौकीन, हेमा मालिनी के फैन और पुराने गीतों में संगीत तलाशने वाले राजा भैया का ताल्लुक राज घराने से है। वो भद्री रियासत से ताल्लुक रखते हैं। रघुराज प्रताप सिंह को यहाँ के लोग इसलिए भी राजा बुलाते हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, उत्तर प्रदेश में जिसे कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा राजा भैया को जानता है। प्रतापगढ़ के कुंडा से जीत दर्ज कर ली है, लेकिन ये जीत उतनी आसान नहीं थी। हालांकि कहा जाता है कि राजा भैया अगर कुंडा से चुनाव लड़ेंगे तो वो जीतना तय ही है, लेकिन इस बार मुश्किल थी क्योंकि सपा ने गुलशन यादव को मैदान में उतारा था। शुरुआत में तो लग रहा था कि राजा भैया इस बार कुंडा में नहीं जीत पाएंगे, लेकिन करारी शिकस्त उन्होंने गुलशन यादव को दी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि राजा भैया अभी भी कुंडा के राजा ही बने रहेंगे। जिस तरह से उन्हें जनता का समर्थन मिला, प्यार मिला, उससे कहा जा सकता है कि राजा भैया की जीत निश्चित है। हालांकि इस बार टक्कर खूब थी। समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव ने ईवीएम में खूब चुनौती दी, लेकिन आखिरकार हुआ वही जो हमेशा से होता रहा है। राजा भैया के नाम के आगे विधायक कुंडा बरकरार रहा। राजा भैया ने सातवीं बार लगातार जीत हासिल की, लेकिन आज चर्चा है जीत से पहले के उनके बयानों की। पहला बयान, ये बयान चुनावी माहौल के बीच सबसे ज्यादा सुनाई दिया। यहां राजा भैया ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि अभी कोई नहीं है जो कुंडा में कुंडी लगा सके। जब एक नेता जी ने कहा कि वह कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, धरती पे अभी कोई माई कला पैदा नहीं हुआ। ये बयान अखिलेश यादव के एक बयान के पलटवार के रूप में आया था। अखिलेश यादव ने कुंडा से अपने प्रत्याशी गुलशन यादव के समर्थन में कहा था कि कुंडा में कुंडी लगा दीजिएगा। सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें भी सम्मान का जीवन ये लोग जीने नहीं दे रहे हैं। इसलिए बताओ, कुंडा के लोग कुंडी लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ जो दल है, उन्होंने बीजेपी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और बताओ कुंडा के लोगों, यहां पर जो लगातार जीत रहे हैं, उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना दोबारा कुंडी न खोल पाए। अखिलेश यादव के इस बयान पर आए राजा भैया के पलटवार की खूब चर्चा हुई। राजा भैया ने कुंडा में कुंडी लगाने वाली बात तो कही ही थी, लेकिन उनके उस बयान में एक और बात छिपी थी, और वो थी कि ना तो सरकार आ रही है और ना आने देंगे। लेकिन अब गुलाल उड़ चुका है।
बीजेपी दफ्तरों में होली खेली जा रही है, लेकिन राजा भैया की पार्टी अब उत्तर प्रदेश की सियासत में दबे पांव चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। राजा भैया की पार्टी ने भी कम समय में यूपी की सियासत में अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है और इसी मौजूदगी की चर्चा अब देश के सबसे बड़े सूबे में आम है। चर्चा है, लेकिन राजा भैया अब जीत के बाद अखिलेश यादव पर तंज कसते भी नजर आए। कैसे उन्होंने अखिलेश यादव पर चुटकी ली है, उनके इस बयान को सुनिए। सर्वप्रथम कुंडा और बाबागंज के सभी सम्मानित मतदाताओं को, सभी समर्थकों को और सभी जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि प्रणाम, आभार और धन्यवाद। हालांकि धन्यवाद जैसे शब्द बड़े छोटे पड़ जाते हैं, और ये ऐतिहासिक जीत उन्होंने दिलाई और जनसत्ता दल का परचम पूरे प्रदेश में लहराया। आप जानते हैं कि बाबागंज से विनोद जी और कुंडा से हमको जनता का पूरा आशीर्वाद मिला है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और नई ऊर्जा के साथ पूरे मनोयोग से हम और हमारे पूरे दल के सभी समर्थक जनता की सेवा करें। राजा भैया, पहले आप निर्दलीय चुनाव लड़ते थे, अब जनसत्ता दल के दो विधायक हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या लगता है कि अब ये शुरुआत की शुरुआत को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, हम सभी लोगों के लिए बहुत उत्साह का विषय है, और जैसा कि आपने देखा होगा बड़े स्थापित दल भैया का है दल और वर्षों से राजनीति कर रहे दल जो है वो या तो जनसत्ता दल के बराबरी पे आके खड़े हो गए हैं और उससे नीचे चले गए हैं। तो महाराज जी, निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। महाराज जी, एक सवाल है, कुंडा में कुंडी लगाने की? नहीं, ये तो हमने पहले ही कह दिया था, ये तो हमने पहले ही कह दिया था। बोला बोला। आप लोग जब ओपिनियन पोल निकाल रहे थे तभी वो याद नहीं, हमने कहा था ना बना दिया है ना बना दिया। महाराज जी, धन्यवाद। तो जीत से पहले भविष्यवाणी करने वाले राजा भैया, जिन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव की सरकार ना तो आ रही है और ना वो आने देंगे, और जीत के बाद इस तरह की चुटकी साफ दिखाती है राजा भैया ने उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है। और ये वो नाम है जिसे अब ना पहचानने की भूल कोई नेता नहीं करना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज का कार्यक्रम दरअसल उसी लूप पर था, उसी लूप होल पर था, जिसको लेकर लगातार लोग सवाल कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि यार ये कौन है ये। और ये इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्रीज हैं, जो उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफिकल जो लैंड है, इसमें कोई भी हवा आ जाए, कुछ भी हो जाए, 1993 से दर्शकों आपको बता रहे हैं, 1993 से आपने वो चार्ट देखा होगा, अभी ज्योग्राफिक प्लेट्स पे चला है चार्ट। इस चार्ट में आपको बताया कि कौन कौन रहा, कल्याण सिंह रहे, मायावती रही, राजनाथ सिंह साहब रहे, मुलायम सिंह यादव रहे, अखिलेश यादव रहे, योगी आदित्यनाथ रहे, लेकिन राजा भैया वहीं के वहीं रहे, कुंडा से विधायक रहे, हटा ही नहीं पाया कोई, नहीं हटा पाया। आंधी चली, तूफान चली, लहर चली, सुनामी आई, बाढ़ आई, एवरीथिंग, लेकिन कुंडा में राजा भैया को कोई नहीं हिला सका। तो ये जो पावर सेंटर है कुंडा में, जिसके लिए पहले तो कथाएं चलती थी, एक कहानियां चलती थी अलग अलग शहरों में कि राजा भैया की जो सीमा स्टार्ट होती है वहां से सरकार की सीमा खत्म है, ऐसा बोर्ड है। राजा भैया की जो इंपॉर्टेंस है उसको लेकर लोग काफी बातचीत कर रहे थे, पूछ रहे थे ये कौन शख्स है, क्या नाम है, कौन है, कैसे है, क्या कुछ है, और चुनाव में क्या पैटर्न था, उसको लेकर कोई दिखा नहीं रहा था। इसलिए भारत एट नाइन में इस पैटर्न को हमने उठाया और बताया कि रघुराज प्रताप सिंह ने किस तरीके से पूरा जो यूपी का चुनाव में जो पूरा एक वर्जन था, पूरा जो नेटवर्क था, पूरी जो फोटोक्स थी, जो पूरी जिसको तस्वीर बोलते हैं हम लोग, इसमें वीडियोस भी हम लोग शामिल कर लें, इन सब को बदल कर रख दिया और बड़े दावे के साथ, बड़ी मजबूती के साथ, ताल ठोक कर, व्हाट वी कॉल इन मीडिया लैंग्वेज, ताल ठोक कर उन्होंने कह दिया कि कोई कुंडा में कुंडी नहीं लगा पाएगा, कोई कुंडा में कुंडी नहीं लगा पाएगा। तो राजा भैया ने जो अखिलेश यादव को कहा था, तो आज अखिलेश यादव थोड़े से माइनस में हो गए उनके सामने, और राजा भैया यहां प्लस में हो गए उनके सामने। तो अखिलेश यादव को जो उन्होंने चुनौती दी थी, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कौन है राजा भैया, तो अखिलेश यादव ने कहा था ठीक है पता होगा इनको, पता होगा, लेकिन चुनाव है तो ठीक है। लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव फिर पहुंचे गुलशन यादव के समर्थन में, और उन्होंने कहा कि कुंडा में कुंडी लगा दीजिएगा, जनता से कहा, अपने समर्थकों से कहा। लेकिन उसके उलट में, इसके पलट में राजा भैया ने कहा कि कुंडा में कुंडी लगाने वाला दोस्तों अभी कोई नहीं है, कोई नहीं है, और ना हो पाएगा। तो ये अखिलेश यादव के लिए था, तो अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका दिया है, अखिलेश यादव को बड़ा झटका इसलिए बोल रहा हूं,
क्योंकि आज अखिलेश यादव माइनस में है, इसी के बाद से लगातार इसके बाद से माइनस में, इसलिए माइनस में है क्योंकि क्योंकि दर्शकों अखिलेश यादव ने कहा था कि कुंडा में कुंडी लगानी है, कुंडा में कुंडी लगानी है, और राजा भैया ने कहा था कि कुंडा में कुंडी कोई नहीं लगा पाएगा। और इसी के साथ आज मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ये एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसको बीजेपी समाजवादी पार्टी के बाद गिना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की दो सीटें हैं, बसपा की एक सीट है और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की दो सीटें हैं, तो ये पार्टी इन पार्टियों के बराबर आकर खड़ी हो गई है। तो 2027 में जब अगला चुनाव होगा तब देखना होगा कि रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी कहां होगी, क्योंकि बीजेपी ने भी दो सीट से स्टार्टिंग की थी नेशनल लेवल पर, राज रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी दो सीटों पर है। तो रघुराज प्रताप सिंह को लेकर काफी लोग चर्चा कर रहे थे कि इनको इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए भारत एट नाइन में वो जो चर्चा का जो गैप था, जो वैक्यूम था, उस वैक्यूम को फिल करने का काम किया है। और आपको बताया है कि रघुराज प्रताप सिंह ये जो कैरेक्टर हैं, रघुराज प्रताप सिंह जो शख्स हैं, इस पूरे चुनाव में उनकी जो स्टेटमेंट्स थे, उनके जो भाषण थे, वो किस तरीके से ऊपर गए और नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, और सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए, क्यों पॉपुलर, इतिहास उन्होंने भी रचा है। लगातार सातवीं बार विधायक बने, लगातार फॉर द सेवेंथ टाइम इज एमएलए फ्रॉम कुंडा कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस लगातार सातवीं बार कुंडा से अब विधायक बन गए हैं रघुराज प्रताप सिंह। राजा भैया इनकी पार्टी ने इतिहास रचा, और जो इतिहास रचेगा उसकी बात होगी। तो अरविंद केजरीवाल ने इतिहास रचा है, रघुराज प्रताप सिंह ने इतिहास रचा है, योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रचा है। दीज आर द थ्री पीपल हु हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए शुक्रिया।